क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि मॉर्निंग में उठे और मॉर्निंग में उठने के बाद जैसे ही हम चाय पीना शुरू करते हैं और अपने गार्डन में या बालकनीज में हम लोग अपने प्लांट्स के साथ जब टाइम स्पेंड करते हैं तो हम सोचते हैं, सडन माइंड में आता है, अच्छा इस प्लांट की तो ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, अच्छा इस प्लांट की ग्रोथ तो रुक चुकी है, अरे फ्रूटिंग नहीं हो रही है, फ्लावरिंग हो रही है। जब फ्लावरिंग हो रही होती है तो हमारे फेस पे बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है, और जब हम देखते हैं कि हमारे प्लांट के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है तो वही स्माइल हमारी सैड फेस में बदल जाती है। तो इसके अलावा जब सीजन चेंज होता है तो सीजन चेंज होने पर भी हमारे जो प्लांट्स हैं इनकी जो तबीयत है ये बीमार पड़ जाते हैं। तो उसके लिए आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्या करें कि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ जाए, अच्छे से चलते रहे, ग्रीन दिखे, और गर्मियों में ऐसे कौन कौन से फर्टिलाइजर हम अपने प्लांट्स में यूज कर सकते हैं उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए। और अगर आप भी ऐसे ही सोचते हैं तो पहले कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा। गार्डन गपशप को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फर्दर अपडेट्स के लिए। अब बात करते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के बारे में। देखिए, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ अपने बहुत सारे वीडियोस में कि मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो मैं दोबारा से इस वीडियो में रिपीट नहीं करूंगी। तो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, लेकिन जैसे ही सीजन चेंज होता है तो समर सीजन जैसे आया या विंटर सीजन जैसे आया तो बहुत सारे सिम्टम्स हमें अपने प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं विंटर्स की बात करूं तो विंटर्स में आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो अपने आप ही सारे पत्तियों को शेड करना शुरू कर देंगे। जो हमारी ये जो प्लांट्स हैं इनमें सिर्फ आपको सिर्फ किसी में स्टॉक दिखाई देगा, किसी में सिर्फ स्टेम दिखाई देगी, पत्तियां बहुत कम हो जाती हैं। अगर मैं गर्मियों के सीजन की बात करूं तो समर्स में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कि जो प्लांट्स हैं उनके पत्ते जल जाते हैं और जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, स्लो ग्रोथ हो जाती है हमारे प्लांट्स की। तो ऐसे ही जब सीजन चेंज होता रहता है तो हमारे प्लांट्स की तबीयत भी खराब हो जाती है। अब हम क्या कर सकते हैं? पहली चीज, हमारे घर के अंदर बहुत सारी टैबलेट्स होती हैं, जैसे वाइटामिन की हो गई, वाइटामिन सी, वाइटामिन बी और भी बाकी बहुत सारी टैबलेट्स होती हैं। तो हम क्या करेंगे, उन टैबलेट्स को क्रश कीजिए, पाउडर की फॉर्म में अपने प्लांट्स को फीड कराइए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, उसको बिल्कुल भी वेस्ट मत जाने दीजिए। तो आप उसमें अपने प्लांट के अंदर ग्रोथ भी देखेंगे और आपको प्लांट में एक अलग ही चमक भी दिखाई देगी। तो ये हम समर्स में इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। अब बात करती हूँ मैं दूसरे ट्रिक की, जो मैं अपने पौधों के अंदर इस्तेमाल करती हूँ, फिर उसके बाद जो रिजल्ट दिखता है फिर उसके बाद आपके साथ शेयर करती हूँ। तो दूसरी जो ट्रिक मैं यूज करती हूँ अपने पौधों के अंदर वो है चाय पत्ती। जब हम सुबह शाम जब भी, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडियन कल्चर में जो चाय है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कोई गेस्ट आया सबसे पहले उसको चाय पूछेंगे, कुछ और पूछे या ना पूछे, तो मतलब चाय की पत्ती जो होती है जब आप उसको अच्छे से वॉश कर लें और वॉश करने के बाद आप फिर उसको यूज़ कीजिए अपने प्लांट्स में, सुखाने के बाद यूज़ कीजिएगा। अगर आप गीला यूज़ करोगे तो फंगस हो जाएगी अपर सरफेस में प्लांटर के, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको सुखाना है उसको और बहुत अच्छे से वॉश करना है जिसमें से जो शुगर है जो भी चीज़ें हैं वो सारी फिल्टर हो जाए, और सुखाने के बाद उस पत्ती को यूज़ कीजिए। बहुत प्यारा फर्टिलाइज़र है। अगर आपके फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तीसरी चीज़ मैं बोलूँगी आपको कि आप एक जो ऑनियन होता है, ऑनियन के छिलके होते हैं उसको वेस्ट मत जाने दीजिए, सिर्फ छिलके चाहिए हमें, जो अपर मैम्ब्रेन जो होती है ऑनियन की, जो ऊपर का जो लेयर होता है उसको यूज़ कीजिए, और उसको इकट्ठा करने के बाद एक बॉटल एक जार के अंदर रख दीजिए और 2-3 दिन में उसको ऐसे ही एज इट इज़ रहने दीजिए। जो वो पानी है आप उसको अपने पौधों के अंदर स्प्रिंकल भी कर सकते हो, आप डायरेक्टली फीड भी करा सकते हो आप, तो अगर प्लांट्स में कीड़े लग भी रहे होंगे तो प्लांट्स में कीड़े लगने बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट मैं आपको बोलूंगी कि गर्मियों के सीजन में, गर्मियों में होता क्या है, जो हमारे प्लांट्स हैं वो भी, उनको भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और जो प्लांट्स की कैटेगरीज हैं वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, किसी को लो लाइट पसंद है, किसी को ब्राइट लाइट पसंद है, किसी को सनलाइट पसंद है। और अगर जैसे ड्रेसिना का पौधा, अगर मैं इसको डायरेक्ट सन दूंगी तो इसके जो पत्ते हैं वो ब्राउन कलर के होने शुरू हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो हमें क्या करना है, अगर हमारी बालकनी में या हमारे गार्डन में बहुत तेज धूप आती है और हमने फिर भी ऐसे प्लांट्स रख लिए जो मतलब शेड लविंग प्लांट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम शाम के टाइम में या सुबह के टाइम में ठंडा पानी लेंगे अपनी स्प्रे बॉटल के अंदर और उसमें 1 स्पून टर्मरिक को मिला लेंगे,
और फिर उसको आप अपने जितने भी आपके सारे प्लांट्स हैं उसके ऊपर छिड़काव कीजिए, स्प्रिंकल कीजिए पानी को। आप देखेंगे इन सारे ट्रिक्स और टिप्स को यूज करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ वाकई में हमारे प्लांट्स बहुत ज्यादा हेल्दी हो गए हैं, बहुत स्ट्रांग हो गए हैं और फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी बहुत अच्छे से चल रही है। अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है प्लांट से रिलेटेड तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। गार्डन गपशप यूट्यूब चैनल को जरूर जरूर फॉलो कीजिएगा और फर्दर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।